मुझे लगता है कि वो गलत तो नहीं बोल रहे हैं, वो ठीक बोल रहे हैं। वो जो ओम प्रकाश राजभर जी बोल रहे हैं कि एसी में बैठ के चुनाव नहीं लड़ा जा सकता, तो बात सही है। जो विपक्षी हैं ओम प्रकाश राजभर जिस तरह से दहाड़ रहे हैं, ये सब क्या सिग्नल है? मुझे लगता है कि वो गलत तो नहीं बोल रहे हैं, वो ठीक बोल रहे हैं। वो जो ओम प्रकाश राजभर जी बोल रहे हैं कि एसी में बैठ के चुनाव नहीं लड़ा जा सकता, तो बात सही है। हम लोग देखिए, हमारे लोग अभी परसों नतीजा आया है और आज फिर से आगे की रणनीति बनाने के लिए सब लोग यहाँ खड़े हैं, सब लोग यहाँ एकत्रित हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो मेहनत है, ये मेहनत ही दिखाती है कि आज अगर आजमगढ़ में कमल खिला है तो ये इनकी मेहनत है, हमारे सभी साथियों की मेहनत है, सभी देवतुल्य कार्यकर्ताओं की मेहनत है, जो आज एकदम इस बात के लिए प्रतिबद्ध हैं कि हम आजमगढ़ में भारतीय जनता पार्टी का गढ़ बनाएंगे। तो आज से ही उसकी शुरुआत हो गई है और आने वाले दिनों में आप देख पाएंगे कि हम लोग जो है आजमगढ़ को भारतीय जनता पार्टी का गढ़ बना देंगे। तो ये आजमगढ़ का जो गढ़ कहा जा रहा था, जो कह रहे थे, जो मान रहे थे, उनके लिए क्या संदेश है? उनके लिए है कि सिर्फ देखिए, गढ़ बना रहे हैं आप जाति के हिसाब से, गढ़ बना रहे हैं आप समीकरण के हिसाब से, तो उस पर हम लोग इसलिए भारी पड़ेंगे कि हम काम के दम पे इसको गढ़ बनाएंगे कि भारतीय जनता पार्टी आजमगढ़ का विकास करेगी। इन 1.5 सालों में आप देखेंगे कि आजमगढ़ का पूरा स्वरूप चेंज हो जाएगा। तो हम काम के दम पे इसको गढ़ बनाएंगे, हम जाति और समीकरण के दम पे यहाँ गढ़ बनाने नहीं आए हैं। जो लोग जाति समीकरण पे गढ़ बनाते हैं वो जीतने के बाद चले जाते हैं, उनको पता है इतना यादव इतना मुसलमान, ये सीट जाएगी नहीं, हमारे पास रहेगी, इसलिए वो काम नहीं करते हैं, वो आपके बीच में दिखते नहीं हैं। पर हमको पता है कि हम काम करेंगे तो ही यहाँ हम रह पाएंगे। जो यहाँ लोगों ने भरोसा दिलाया है, हर वर्ग के, हर जाति के, हर धर्म के लोगों ने अगर भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास किया है तो विकास के लिए किया है, काम के लिए किया है, और वो काम जब हम करेंगे तो ही हम इसको गढ़ बना पाएंगे, तो ही हम इस पर दोबारा जीत पाएंगे। चलिए अंतिम, जीत हुई है, जीत में आप चाहे वो फिल्मी कलाकार रहे हों, चाहे यहाँ के लोकल सिंगर रहे हों, चाहे आपके सहयोगी रहे हों, सपोर्टर रहे हों, उनके लिए आपका क्या कहना? सबको मैं दिल से, बहुत दिल से धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि आप सब ने मिल करके और इस लड़ाई को लड़ा और अपना समझ के लड़ा। कोई एक ऐसा व्यक्ति नहीं था जो जिसको लग रहा हो कि सिर्फ निरहुआ यहाँ चुनाव लड़ रहा है। हर बच्चा बच्चा जो है वो निरहुआ बन के यहाँ चुनाव लड़ रहा था। हमारे जितने मंत्रीगण थे, जितने माननीय विधायकगण थे, वो लोग भी आकर के यहाँ पे रात दिन लगे हुए थे, ज़मीन पे उतर के मेहनत कर रहे थे। जितने हमारे भोजपुरी फिल्म के कलाकार थे, सभी लोग यहाँ आए थे, उन सबको भी दिल से धन्यवाद है और आपको भी दिल से धन्यवाद है। आप भी हमारे साथ लगातार पसीना बहाए और हम लोगों की मेहनत लोगों तक पहुँचाए, तो उनको भी दिखा कि भाई ये देखिए, यूपी तक के दर्शक जो है देख पाए कि ये लोग कितनी मेहनत कर रहे हैं, तो ही ये सफलता हासिल हुई है। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया दिनेश जी। तो ये थे दिनेश लाल यादव, अब आजमगढ़ के सांसद हैं और इन्होंने अपनी इस जीत पे सभी को धन्यवाद दिया है, खासतौर पे उन कलाकारों को जो बॉम्बे से लेकर और प्रदेश के अन्य कोने कोने से आकर इनका प्रचार कर रहे थे, इनके सहयोगी और यहाँ के नेताओं का उन्होंने धन्यवाद तो दिया है, साथ साथ यूपी तक को भी इन्होंने धन्यवाद देते हुए कहा कि आपने भी हमारा साथ दिया। राजीव कुमार, आजमगढ़, यूपी तक।